फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ अजय जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आपने लेवल दिया था एक जीरे का कि 21,000 से 21,500 तक के भी लेवल दिखा देगा। वो लेवल्स हम पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से लगातार देख रहे हैं कि जीरा 21,000 के भी लेवल्स दिखा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या जीरा अब यहाँ जरूर और तेजी की तरफ जाने वाला है, या फिर यहाँ से एक थोड़ा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बनेगी? देखिए, जीरे की अगर बात करें तो वैसे हमने बोला था कि स्पाइस ईयर रहेगा 2022, और हमने देखा बिल्कुल अच्छी खासी तेजी हमने जीरे में बढ़ती हुई देखी। पर कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा कंसर्न कर रहा है एक्सपोर्ट को लेकर, जो मैंने कैस्टर के केस में भी कहा था। क्योंकि अभी मैंने काफी एक्सपोर्टर से बात की, उसमें तीन कंसर्न समझ में आता है। एक पहला है, गल्फ को सामने है तो सबको उम्मीद है कि हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर काफी मिलने वाले हैं। तीन चार जो मैंने बातें की उसमें पहला निकल कर आया है कि सर भाव पिछले तीन महीने में जबरदस्त तेजी ले चुके, 30% की तेजी देखी है, जिसके चलते अगर किसी की रिक्वायरमेंट सपोज करो कि 1000 मेट्रिक टन की थी, तो वो अब 200-300 के ऊपर बात नहीं कर रहा है। बिकॉज उसको ही मालूम है, ये भाव में अगर मैं बाइंग करता हूँ और डिमांड में ड्रॉप आता है तो कहीं ना कहीं हम तकलीफ में आ जाएंगे। दूसरा है कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट। अगर हम फ्रेट चार्जेस की बात करें या कंटेनर कॉस्ट की बात करें, तो ये भी सुनने में आया है कि मिडिल ईस्ट में अगर इंडिया से अगर हम एक्सपोर्ट करते थे तो पहले 850-900 में कंटेनर अवेलेबल भी हो जाता था, फ्रेट भी मिल जाता था। बट अब इसी कॉस्ट को इधर $3,200 तक बता रहे हैं। अब इतने बड़े कॉस्ट से एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं हर्ट होता हुआ दिखाई देगा। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो टाइमिंग हो कर रहा है, जैसे हमने कुछ जीरे में तो नहीं है तकलीफ, बट धनिया में जरूर देखा कि जैसे रोमानिया बल्गेरिया का जो माल है वो यूरोप की मतलब कंज्यूम हो रहा है। तो आई थिंक हायर भाव पे थोड़ा सा दबाव है, करेक्शन के लिए ड्यू है मार्केट की बात नहीं करूंगा। हाँ, यहाँ से कम 19,500 या 19,000 तक का भी लेवल अगर देखे, क्योंकि सामने नया अराइवल भी आना है, तो वहां पे फेयर बाइंग बनती, ओवरऑल टारगेट 25,000 से रहेगा। बट करंट लेवल से प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी है, तो प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। इसके साथ अजय जी, बात करें अगर धनिया की, तो धनिया में भी देख रहे हैं कि अचानक से तेजी बनती नजर आई है। आपने इससे पहले इंटरव्यू में कहा था कि 12 फरवरी मसालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख रहे हैं आज 10 तारीख है और जो तेजी है वो बननी भी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, धनिया में यहाँ से तेजी बनेगी या फिर यहाँ से भी एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, आपने 12 फरवरी अच्छे से याद रखी, लेकिन मेरा जो डेट था वो था 15 फरवरी से लेकर 12 फरवरी या 20 फरवरी तक का पीरियड, क्योंकि ये पीरियड में ज्यादा करके हम देखते हैं एक्सपोर्ट की इंक्वायरी और डिमांड बहुत बढ़ती है। पर इसमें थोड़ी सी चेंजेस इसलिए, देखिए 12 फरवरी तक का डेट देख लीजिए और भाव देख लीजिए, आपको बेहतरीन तेजी मिल रही है। बट अब मुझे थोड़ा सा कॉशियस इसलिए भी है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, दूसरा अगेन जो मैं बार बार में आगाह कर रहा हूँ सबको कि क्रूड के ऊंचे भाव के चलते जो फ्रेट होता है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर कॉस्ट भी बढ़ा हुआ है और जो फ्रेट के साथ साथ हम कंटेनर अवेलेबिलिटी ये भी कम है। तो मुझे लगता है जो मैंने दे दी थी 15 फरवरी का ओवरऑल जो पीरियड था, वो अब एक तरह से कंप्लीट भी हो रहा है और प्रॉफिट बुक बनता भी है। तो मेरी सलाह रहेगी धनिया में भी एक बार प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। हाँ, थोड़ा अगर नीचे में 9,000-9,200 तक का भी रेंज मिलता है, क्योंकि नए अराइवल्स भी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पे एंट्री करके चलो, पूरे साल भर में 18,000 का लेवल हायर साइड पे दिखाएगा। बट एज ऑफ नाउ प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज खाली हमने बोर्ड पे दिखेगा प्रॉफिट, हाथ में नहीं आएगा। तो बेटर एक बार प्रॉफिट कम कीजिए और 9,000 के करीब फिर से री एंट्री करने की कोशिश करिए। जी, कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।